ये देख। अरे देख ना, तेरी बीवी ने डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दिए और तुझसे सारे रिश्ते नाते सब तोड़ दिए। तो तू क्यों अपनी बीवी का पल्लू पकड़ के लटक रहा है? वो भी कर देना साइन, कर। मेरा ये टशन 2 मिनट में निकाल दूंगा मैं, समझा? मेरा नाम सूरज है, जो मैं चाहता हूँ वो होता है और इस बार भी वही होगा। कुंवर बुलाता है ना तू खुद को? कायर है तू, डरपोक, फू है तेरे पे। रईसा, ओहो, मिट्ठू, मारी एक अच्छी सलाह है थारे को, तू ना किसी अच्छे नाटक मंडली में भर्ती हो जा। कितनी अच्छी नौटंकी करे है देख, पहले दिल का दौरा और अब ये बेहोशी का ड्रामा। राजेश्वरी नाटक नहीं कर रही है, इन्हें बीपी का प्रॉब्लम है, इनका बीपी लो हो गया है। बीपी बहुत लो हो गया है, एफिड्रिन देना होगा। अगर एफिड्रिन नहीं दिया तो सॉल्ट या चॉकलेट से भी काम चल जाएगा। इनके साथ सब पहले भी हुआ था, डॉक्टर साहब ने हमें इलाज बताया, हम अभी आए। तू और था तू, मैं राजा हूँ जो बहुत जल्द तेरी बीवी को रानी बनाने वाला हूँ। ए चल पैड निकाल, इसका अंगूठा ले। बोलो अंगूठा तेरा। अब इस पेपर पे पीछे की डेट डालकर 6 महीने वाले सिस्टम को 6 दिन में पूरा करवा दूं और उसके बाद तेरे और राधिका के बीच के सारे रिश्ते खत्म और वो हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। मेरी तलाक बहुत बहुत मुबारक हो वीर सिंह राजावत। बेचारा पहले प्रॉपर्टी गई, फिर बीवी गई और अब तेरा परिवार और तू जान से भी जाएंगे। मॉम सच में नाटक नहीं कर रही है, जब से इन्हें ब्रो के बारे में पता चला है तब से इनकी हालत ऐसी हो रही है। इन्हें आराम से बिठा दीजिए, सही थोड़ा सा नमक ठीक हो जाएंगे। रानी, वीर को ढूंढने में हम तुम्हारे साथ। इसका मतलब इन सबको और मेरा रिश्ता, हमारा प्यार तेरे इस कागज के टुकड़े का मोहताज नहीं है, दिल से जुड़ा है हमारा रिश्ता। हम दोनों को एक दूसरे से अलग करने की तेरी औकात भी नहीं है। और एक बात सुन ले, जहां तक मुझे हमारे परिवार को चोट पहुंचाने की बात रही, तू तेरी वो माँ ये 4 पैसे के गुंडे हमारा पाल भी भाका नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि हमारा परिवार एक साथ है, रानी उनके साथ है। जो करना कर ले। हमारा परिवार हमारे साथ है, अब हर मुश्किल से जीत जाएंगे हम। होम फीलिंग बेटा, आराम कीजिए, रिलैक्स। ओहो, एक बुढ़िया, दूसरी बीमार और तीसरा निठल्ला। मन ने भी कैसी फौज पाल रखी है नौकरों की। हाँ, छोरी जरा ठिया तो अब ठीक लग रहा है थारे को? चल फिर जल्दी से उठ और काम खत्म कर, बहुत सारा काम पड़ाया थे, सबने भीड़ बना के रखी है। चलो जाओ, उठो जल्दी। आराम से
जीत की तरफ पहला कदम तो सफल रहा। ऐसे ही कदम से कदम मिलाकर हम बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाएंगे डॉक्टर साहब। इतनी हिम्मत है तो खोल मुझे, फिर दिखाता हूं तुझे। और कोई बीच में नहीं आएगा, खोल इसे। भूल मत, तुझे पहले भी बर्बाद कर चुका हूं, तुझे तेरे परिवार को घर से निकाल कर। और अब तुझसे तेरी बीवी छीन के तुझे नामर्द साबित कर दूंगा। ये तो गया हमेशा हमेशा के लिए। माता रानी, ऐसा काहे लग रहा है जैसे डॉक्टर साहब वो ठीक तो है? जब से तलाक के कागज साइन किए हैं, अजीब सी फीलिंग आ रही है। डॉक्टर साहब को कहा करें हम, कैसे कैसे बचाए उन्हें? अब आप ही का सहारा है माता रानी, डॉक्टर साहब की रक्षा करना। अब बोल भी, कौन है असली मर्द? हमने डॉक्टर साहब के रक्षा के लिए ही घरवालों से छुपाने के लिए इसे निकाला था। जब तक हमें भरोसा नहीं हो जाता कि डॉक्टर साहब सही सलामत है, ये मंगलसूत्र आप ही के पास रहेगा। पकड़ो इस पागल को।
बांधो उसे। इसका जवाब जरूर दूंगा मैं तुझे। इसे आपके तरफ से संकेत समझकर हम अपना अगला कदम बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा साथ देना। रानी साहब, रानी सा जल्दी देखिए क्या है। इसे हम विजया के कमरे में रख देंगे, फिर उसके बाद हम जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, वहां देखिए कितना धूल है। दोनों को आन करने के बाद हम सारी बातें सुन पाएंगे विजय और सूरज आपस में का कहें। पर तुम्हें पक्का यकीन है कि इससे हमें वीर का पता चल जाएगा? हम कछु और भी सोचे हैं। मौसा जी और पिंकू डॉक्टर साहब को ढूंढने में लगे हैं, परंतु तब तक हमें ये पैतरा आजमाना पड़ेगा। ठीक है, गलत फहमी में मत रहना दीदी। मैं ज्यादा दिनों के लिए नौकरानी नहीं बनी हूँ। हुकुम ने कहा ना, ये नाटक उनके माँ पिताजी के चले जाने तक का है। हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, जब हमारे पति इस लायक नहीं है कि हम उनसे कोई उम्मीद करें तो तुमसे तो हम क्या ही उम्मीद करेंगे। बढ़िया है, यही सोच आगे भी रखिएगा, क्योंकि आपके घर और आपके पति पे चंपा का राज चलेगा। नंदनी बेटा। रूबी जी, आप तुम छोड़ो, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, ये देखिए ना, हम अकेले कितना काम करोगे तुम? नहीं मम्मी जी, हम मैनेज कर लेंगे, ये अभी हो जाएगा। इसे तो तुम मैनेज कर लोगी, और लेकिन तुम्हारा रिश्ता, उसे कैसे संभालोगी? अब नहीं मम्मी जी, जय और हम तो हम साफ मन के लोग झूठ नहीं बोल पाते हैं। हम जानते हैं जय और तुम्हारा रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जब मैंने उस लड़की के बारे में जय को पूछा तो एक सेकंड के लिए वो घबरा गया था। तभी मैं समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। कई सालों पहले यही घबराहट मैंने जय के पापा के चेहरे पर देखी थी। आज जिन हालातों से तुम गुजर रही हो, कभी मुझे भी उनसे लड़ना पड़ा था, मगर तुम तो आज के जमाने की लड़की हो ना, तो तुम भी क्या वही गलती करोगी जो मैंने कई सालों पहले की थी? तो लड़ो बेटा, लड़ो, अपने रिश्ते की दिक्कतों को समझो, पहचानो उसे और जड़ से मिटा दो, क्योंकि कुछ ना करना हार को गले लगाना है। बाहर वाले चाहे जो कुछ भी बोले, अपना पति अपना होता है। तुम सोच रही होगी कि हम जय को क्यों नहीं समझाते, पर मैं समझा भी दूं तो क्या मेरे जाने के बाद तुम्हारा रिश्ता क्या ठीक रहेगा? नहीं, इसलिए जो कुछ भी करना है तुम्हें ही करना पड़ेगा, सिर्फ तुम्हें। ये चादर तुम्हारे रिश्ते के बीच में आई हुई वो दूसरी औरत है, तो लगा दो अपना दम
और पहुंचा दो उसे उसकी सही जगह पर। अब तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। हाँ बता। मुंह खोला कि नहीं उस रजावत के बच्चे ने? हाँ तो मारना उसे, इतना मार कि मार खा खा के नीला पीला हो जाएगा, फिर अपने आप उगलने लगेगा। और अगर फिर भी उसने हमारे को नहीं बचाया, कागज कहाँ रखे हैं? तो बोल उसको जाके। उसके माँ की लाश उसके सामने लिटा दूंगी मैं। हमारे बेटे को धमकाइए, इस पिज्जा को तो हम अभी बताते हैं। राजेश्वरी शांति से काम लीजिए। कागज निकलवाना तुम्हारे बस की बात ना है, हमारे को ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन रानी साहब, इस रजावत के बच्चे के चक्कर में हमारे सर में दर्द होने लग गया। अरे कोई है बच्चे? मिट्टू कोई तो चाय पिला दो हमारे को। हम जाते हैं। कठे रह गए थे तुम मिट्टू? वो हम चाय चाहिए थी ना, हम अभी लेकर आते हैं। एक मिनट, थारे को कैसे पता हमारे को चाय पीनी है? कैसा लगा आपको हमारा इंतजाम? ये सब मेरे लिए? जी बिल्कुल, खास आपके लिए। ओहो, इतना प्यार आज, वजह क्या है? अब जब हम आपको मिल रहे हैं तो आप वजह ढूंढ रहे हैं का? अरे पूरी जिंदगी सक करके बिताएंगे का हमारे साथ? इसका मतलब आपने मान लिया कि तलाक हो चुका है ना? अच्छा क्या आपने मान लिया, वरना उस वीर के तो मैं हाथ पैर तोड़ने वाला था। हाँ आपकी ताकत के आगे वैसे भी कौन ही टिक सकता है। राधिका जी अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, मैं माँ से आज ही बात कर लेता हूँ और उनको बोलता हूँ कल शादी करेंगे। हम पुड़बक, आप हमेशा से घोड़े पर काहे सवार रहते हैं? लेकिन राधिका जी अब शुभ काम में देरी कैसी? परंतु ब्याह से पहले आप हमें रिझाएंगे नहीं का? उका कहते हैं भेंट पर नहीं लेकर जाएंगे का? थोड़ा बतियाएंगे नहीं का? थोड़ा वक्त ही बिताएंगे हमारे साथ? अरे राधिका जी आप तो आज सीधा दिल पे वार कर रही हैं। ठीक है जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा, हम लोग पहले बाहर चलते हैं डिनर करेंगे और फिर उसके बाद। अरे परंतु ये सारा जो इंतजाम किए है उका का? एक मिनट। अरे 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 सूरज बाबू ये सब रहने दीजिए, हम क्या कह रहे हैं ना, आप जरा आइए बैठिए और पहले हमें बताइए हम कैसे दिख रहे हैं। अब थोड़ा तारीफ तो कीजिए। तो हमेशा अच्छी लगती हैं, आप में कहाँ कोई कमी है। अरे क्या कर रहे हैं आप, जरा रुक जाइए,
सब्र का फल मीठा होता है। अब बैठिए ना, बैठिए, हम आपके लिए कछु लेकर आते हैं। बुड़बा किसे पी के लुढ़क जाएगा, फिर होगी इसकी उल्टी गिनती शुरू।